नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बजाज की न्यूली लॉन्च पल्सर P150 के बारे में। और अच्छी चीज़ ये हो गई है कि दोनों बाइक्स मेरे सामने खड़ी हुई हैं। दोनों बाइक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अलग वेरिएंट है, ये अलग वेरिएंट है। दोनों वेरिएंट्स हम कवर करने वाले हैं। फिलहाल आज हम बात करेंगे पल्सर P150 के टॉप इन वेरिएंट के बारे में, क्या इसकी प्राइसिंग रखी गई है, क्या क्या चीज़ हमें ये ऑफर कर रहा है, कैसी बनती है ये पूरी बाइक, आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस लेकर आते रहता हूं। बाकी वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहां पर जो बजाज की पल्सर है इसका एक और यहां पे नया मॉडल आ गया है जिसका नाम है P150 और दो मॉडल्स में अवेलेबल है। इसमें आपको जो दो वेरिएंट्स मिल रहे हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहां पे कह सकते हो कि थोड़े बहुत यहां पे चेंजेस करे गए हैं। टॉप एंड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्राइसिंग क्या रखी गई है इसकी। तो इसकी प्राइसिंग रखी गई है 1,20,000 रुपए एक्स शोरूम, ठीक है। ऑन रोड आते आते ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, वो डिपेंड करता है कहां से गाड़ी परचेज कर रहे हो। तो फिलहाल बात करते हैं कि ये बाइक हमें क्या क्या चीज ऑफर कर रही है। फ्रंट से बात करते हैं तो डिजाइनिंग वाइज यहां पे थोड़े से चेंजेस करे गए हैं। आप देख सकते हो कि आपको नया टाइप का हेडलैम्प डिजाइन यहां पे दिया गया है। वाइजर यहां पे पूरा ब्लैकआउट करा गया, उसमें भी नया डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। सामने ही आपको नंबर प्लेट लगानी पड़ेगी। लेकिन इसकी जो यहां पे लाइटनिंग सेटअप है वो बड़ा कमाल का रखा गया है। LED प्रोजेक्टर सेटअप आपको मिलेगा यहां पर, वो भी बाय फंक्शनल। अब ये बाय फंक्शनल क्या होता है, अगर आप लो बीम में चला रहे हो हेडलाइट या फिर आप हाई बीम में चला रहे हो, आपके यहां पर जो प्रोजेक्टर वो हमेशा ऑन रहेंगे, मतलब आपको जो लाइट मिलेगी वो हमेशा प्रोजेक्टर से ही मिलेगी। और इसमें जो पायलट लैंप है वो भी आपको LED में यहां पर दिया गया है। तो कंप्लीट जो ये हेडलाइट यूनिट है ये बन जाती है LED में। लेकिन जो टर्न इंडिकेटर्स है वो आपको मिलेंगे हेलोजन में। लेकिन जो डिजाइन यहां पे थोड़ी पॉइंटेड रखी गई है तो ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और साइड में थोड़े ग्राफिक्स यहां पे ऐड ऑन हो रखे हैं ब्लैक और ब्लू कलर के इस तरीके से। और जो फ्रंट का हेड है वो कुछ इस तरीके से बनता है। सस्पेंशन की बात करते हैं तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिलेंगे और मोनोशॉक आपको रियर वाले सस्पेंशन मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टायर सेक्शन की। तो इसका जो टायर सेक्शन है फ्रंट का वो रखा गया है 17 इंच लंबा। अगर मैं कंप्लीट टायर सेटअप की बात करता हूँ तो वो बन जाता है 90-80-70। ट्यूबलेस आपको टायर यहाँ पर देखने को मिलेंगे और MRF के ये टायर्स हैं। अब यहाँ पर जो ABS है वो सिर्फ आपको फ्रंट में मिलेगा, लेकिन ये जो टॉप एंड वेरियंट रहेगा इसमें आपको डिस्क आगे मिल जाता है। और अगर आपको मैं पीछे लेके चलता हूँ तो यहाँ भी आपको डिस्क देखने को मिलेगा, लेकिन पीछे साइड आपको ABS प्रोवाइड नहीं होता है। ABS आपको सिर्फ फ्रंट में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके साइड प्रोफाइल की कि साइड से बाइक हमें क्या क्या चीज़ ऑफर कर रही है, डिजाइनिंग वाइज कैसे लग रही है। तो सबसे पहली नज़र जाती है इसके यहाँ पे टैंक में, जिसके यहाँ पे लिखा गया है पल्सर इस तरीके से। और ये जो कलर है ये आपको मिल जाता है पूरा ब्लैक और हल्का सा एक ग्रे कलर का टेक्सचर के साथ। और पीछे आपको ब्लू कलर की थीम यहाँ पर दी गई है। वैसे इसमें यहाँ पे रेड कलर भी आता है, ब्लू कलर भी आता है, फिर ड्यूल्टन फिनिशिंग वाले कलर्स भी आते हैं। तो कलर चॉइसेस यहाँ पे अच्छी खासी रही गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो आपको 150cc का एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो कि निकालता है 14.5 PS की पावर और 13.5 Nm ऑफ टॉर्क। बाकी माइलेज की अगर मैं बात करता हूँ तो माइलेज अभी कंपनी रिवील नहीं करा है और मेरे को ऐसा लगता है कि आप 45 से 50 का माइलेज आराम से इसमें निकाल लोगे। गियर बॉक्स की बात करते हैं तो आपको 5 स्पीड का इसमें गियर बॉक्स प्रोवाइड कराया गया है। बाकी नीचे आपको इस तरीके से इंजन काउल देखने को मिलेगा। और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ तो 165mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। बाकी साइड स्टैंड भी ऑफर कराया गया है और जो ड्यूल स्टैंड होता है सेंटर वाला वो भी आपको यहाँ पर ऑफर कराया गया है। व्हील बेस की बात करते हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा 1352mm, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे व्हील बेस है। और अगर मैं सैडल हाइट की बात करता हूँ तो 790mm इसकी सैडल हाइट रखी गई है, जिसके वजह से जो मीडियम राइडर्स होते हैं, शॉर्ट हाइटेड राइडर्स रहते हैं, उनको भी यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आएगी बाइक को राइड करने में। और अब बात करते हैं हम इसके यहाँ पे पीछे के सेक्शन की। अगर मैं पीछे से चेकआउट करता हूँ तो यहाँ पर भी हमें कुछ लाइटनिंग सेटअप डिफरेंट तरीके का दिया गया है। मतलब ये पैटर्न जो फॉलो कर रहा है वो तो पल्सर के पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे क्रिस्टल डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है, जिसकी वजह से लाइटनिंग रात के समय बड़ी अमेजिंग लगती है। और अच्छी चीज़ क्या है, पीछे का भी जो लाइटनिंग सेटअप है ये भी LED में दिया गया है। इंडिकेटर यहाँ भी हेलोजन में छोड़ रखे हैं। अब बात करते हैं पीछे के टायर की। तो ये भी आपके 17 इंच लंबे हैं, ट्यूबलेस हैं। अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट टायर सेक्शन की बात करता हूँ तो ये आपको देखने को मिलता है 110-80R17 का। और पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, लेकिन पीछे आपको ABS देखने को नहीं मिलता है। अब अगर मैं आपको इस साइड से दिखाता हूं तो यहां पर अच्छी चीज मेरे को क्या लग रही है कि आपको इस तरीके से किक भी मिल जाती है और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली स्टार्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये बड़ी सही चीज़ होती है, क्योंकि कितने बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी सेल्फ नहीं लेती है यहाँ से,
तो फिर हमें किक मारने का ऑप्शन अगर मिल जाए तब हमें कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं आती है। अब बात करते हैं बाइक के कंप्लीट यहाँ पे कर्व वेट की कि इसका कर्व वेट यहाँ पर कितना बन रहा है। तो 140 kg बाइक का कर्व वेट है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कम रखा गया है, जिसकी वजह से बाइक यहाँ पे सिटी में चलाने के लिए, ट्रैफिक में चलाने के लिए बहुत ही आरामदायक बन जाती है, आपको बिल्कुल भी इससे परेशानी नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 14 लीटर का फ्यूल टैंक जो कि बहुत ही सही चीज़ है। अगर किसी को यहाँ पे लंबी लंबी राइड्स लेनी है तो वो आराम से इसमें ले सकता है क्योंकि 14 लीटर का टैंक है। और अगर आप माइलेज मान के चलते हो कि आपकी बाइक यहाँ पे 40 का माइलेज भी निकालेगी तो 560 किलोमीटर आप इसको सिंगल टैंक फिल कराने के बाद चला सकते हो, ये बहुत सही चीज़ है यहाँ पे। और पल्सर जैसा आपको मैं दिखा रहा था साइड में कुछ इस तरीके से लिखा गया है, तो यहाँ से बन जाता लुक कुछ इस तरीके से। और अब बात करते हैं इसके यहाँ पे हेड की, तो हेड की डिज़ाइनिंग आपको थोड़ी डिफरेंट मिलती है। डिफरेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुराने वाली पल्सर को बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहा है, जितनी भी आपके नई यहाँ पे मॉडर्न पल्सर्स आ रही हैं सेम इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वैसे ही दिया गया है। करते हैं इसे यहाँ से ऑन, तो आपको यहाँ पे निडल स्वीप वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है। सेंटर में आपको यहाँ पे टैकोमीटर ऑफर कराया गया है इस तरीके से। इस साइड अगर आप देखोगे तो डिजिटली में आपको यहाँ पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लाइक आप कौन से गियर में हो, आपको हर एक गियर ये शो करेगा, आपकी स्पीड ये शो करेगा, टाइम ये शो करेगा। साइड में आपको ये फ्यूल शो करता है, एक बार कर देते हैं ऐसा किल स्विच ऑन इस तरीके से, तो यहाँ पर आपकी न्यूट्रल की लाइट आपको ऊपर देखने को मिलती है। आरपीएम लिमिटर आपको यहाँ साइड में देखने को मिलता है इस तरीके से, बाकी टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाते हैं, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ से आप इंस्टेंटेनियस माइलेज भी अपना चेकआउट कर सकते हो, ऑडोमीटर भी देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे, थोड़ा ये बटन चढ़ा इसके हार्ड है, लेकिन यहाँ से आपको ट्रिप वन, ट्रिप टू ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो बन जाता है इसका एमआईडी डिस्प्ले कुछ इस तरीके से यहाँ पर। और इस साइड अगर देखें हम तो हमें टाइप ए का फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, और आप इसे कंप्लीट तरीके से बंद भी कर सकते हैं, ये बड़ी सही चीज़ है। अगर आप इसका टॉप एंड लोगे तो यहाँ पर जो हैंडल बार रखे गए हैं ये आपको मिल जाते हैं क्लिप ऑन हैंडल बार्स, ये बड़ी सही चीज़ लगी मेरे को, जिसकी वजह से हैंडलिंग और लुक देखो कितना डिफरेंट यहाँ पर बन रहा है। अब देखते हैं कि बटन हमें यहाँ पर क्या क्या ऑफर करे जा रहे हैं। तो एक मिल जाता है हमें किल स्विच बटन, एक मिल जाता है यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन इस तरीके से, स्टार्ट स्टॉप नहीं कहेंगे सिर्फ स्टार्ट बटन कहेंगे। और यहाँ पर मिल जाता है हाई बीम लो बीम करने का ऑप्शन, यहाँ पर मिल जाता है लाइट को पास करने का ऑप्शन इस तरीके से, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका हॉर्न। अब बैठते हैं बाइक में, जानते हैं कि सीटिंग कम्फर्ट कैसा है। तो देखो जैसे मेरी हाइट 5'11" है और अभी बाइक जो है डबल स्टैंड में खड़ी हुई है तब भी मेरे को बिल्कुल भी परेशानी यहाँ पर नहीं आ रही है। अगर मैं अपनी सीटिंग कंफर्ट की बात करता हूँ तो सीटिंग कंफर्ट मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो क्यूशन है वो बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है, और सीट ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रगिड भी नहीं है, बहुत अच्छे से इन्होंने सीट यहाँ पर बनाई गई है। और अगर आप इस साइड से देखोगे तो कितना बढ़िया इसका व्यू बन जा रहा है सिर्फ क्लिप ऑन हैंडल बार की वजह से, तो बड़ा ही आपको मज़ा आने वाला इस बाइक को राइड करने में। अगर मैं आपको पिलियन की सीट शो करता हूँ तो वो आपको मिल जाती है कुछ इस तरीके से। अगर आप टॉप एंड लोगे तो आपको यहाँ पर जो सीट है ये मिलती है आपको स्प्लिट वाली कुछ इस तरीके से, और अगर आप इसका नीचे वाला वेरिएंट लोगे तो यहाँ पे सीट आपको नॉर्मल से मिलने वाली है। मैं फिर से कहूँगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो आप टॉप एंड का वीडियो देख रहे हो, फिर आप देखोगे इसकी लोअर एंड वाले का वीडियो मतलब नीचे वाले वेरिएंट का वीडियो देखोगे, फिर आप देखोगे इनकी कंपैरिजन वीडियो जिसमें मैं अच्छे तरीके से इनको कंपेयर भी करूँगा, तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर मैं ग्रैब रेल बार्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको ग्रैब रेल बार्स जो है डिफरेंट स्टाइल में मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टरे लगते हैं इस तरीके से, मतलब पॉइंटेड है देखो यहाँ पर आप, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ इसका एग्जॉस्ट टेल पाइप किस साइड है तो वो आपको मिल जाता है अंडर बैली कुछ इस तरीके से यहाँ पर, तो वो भी लुक यहाँ पे ख़राब नहीं करेगा। बाकी पिलियन के लिए भी यहाँ पर आपको फुटरेस्ट मिल जाता है इस तरीके से, और साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पर साड़ी गार्ड। तो इस बाइक का मैंने कंप्लीट तरीके से यहाँ पे रिव्यू कर लिया है, वॉक अराउंड कर लिया है, आपके जो भी कमेंट्स है इस बाइक को लेकर के आप कमेंट यहाँ पे कर सकते हो। और मैं शूट करने के लिए आ रखा हूँ अभी नैनीताल बजाज मोटर्स हल्द्वानी में, तो जो भी हल्द्वानी से इस वीडियो को देख रहा है अगर उसे ये बाइक परचेज करनी है इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर से बताना, अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे एक और नई वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।